दोस्तों भोले भंडारी, आज दिनांक 8 अक्टूबर 2021 है। यह हमारा पहला संभाषण है आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। दोस्तों आज के स्पीच में हमें यह बोलने का हुक्म हुआ है, इसका विषय सुनिए। आने वाले विप्लव, भारत में आने वाले विप्लव और महानता का वैज्ञानिक श्री आंतरिक और गणितीय विश्लेषण, ये साइंटिफिक श्री आंतरिक एंड अर्थमेटिक एनालिसिस ऑफ द कमिंग हैवक, कमिंग ग्रेटनेस इन इंडिया, जो भारत में जो भी आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, उसका विश्लेषण, ऐसा क्यों आ रहा है और क्या वह सचमुच में आएगा, फिर आएगा तो कितने दिन चलेगा, कौन कौन हिट होंगे, कौन किस किस को फ़ायदा होगा, किस किस को नुकसान होगा और क्यों ऐसा ही होगा। हम क्या है कि हमारे स्पीचेज में बहुत सी भविष्यवाणियाँ छिपी होती हैं, लगभग हर एक संभाषण में एक भविष्यवाणी तो होती है। इसलिए हमारा आज का विषय है आने वाले विप्लव और महानता का वैज्ञानिक श्री आंतरिक एवं गणितीय विश्लेषण, हमारी भविष्यवाणियाँ। चलो हम जल्दी जल्दी करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, हमारे प्रेमियों, जो भी इस चैनल को बड़े शांति और प्रेम के साथ देखते हैं, मेरे प्रेमी भाइयों, निराश मत होना, ढूंढ ढूंढ कर यही वाणी सुनी जाएगी, आगे भविष्य में ढूंढ ढूंढ कर यही वाणी सुनी जाएगी। और जब यही सुनी जाएगी, इसी की सुप्रीमेसी आएगी, तो आप लोगों की सुप्रीमेसी भी आएगी। अब हम यह विश्लेषण करेंगे कि ऐसा भारत में क्यों आ रहा है, कितने ही सैकड़ों मनीषियों ने कहा है, आजकल सारे लोग चिल्ला रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि ऐसा आ रहा है, ये वैसे ही नहीं आ रहा, ये भाई क्यों आ रहा है। ये देखिए ये क्या हुआ कि दूसरे नंबर देखिए, यह कर्म फल की वजह से आ रहा है। भाई कर्म फल क्या है, भाई ये लॉ ऑफ डीड्स है, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भगवान देंगे। भाई ये क्या है, डू एंड गेट, आप करो और पाओ, आपने क्या किया उसी तरह से। अब हम आपको इसका कोई विश्लेषण, थोड़ा सा विश्लेषण बताते हैं। इसमें ये देख लीजिए, ये कर्मफल असल में क्या है, कोई कर्म हुआ, सम पोर्शन गोज टू पास्ट, देखो कर्म का क्या है, एक पोर्शन देखिए, सम पोर्शन गोज टू प्रेजेंट इंस्टेंटली, देखिए इसमें लिखा है, ये सम पोर्शन गोज टू पास्ट, सम पोर्शन गोज टू प्रेजेंट इंस्टेंटली, एंड सी नंबर देखिए, सम इज रिजर्व फॉर फ्यूचर। हमारे जो कर्म का सिद्धांत है, चाहे इसके, अब हम आपको ये बता दें कि इस दुनिया में हर चीज़ अनंत है, हर सिद्धांत अनंत है, हर एक छोटी सी चीज़ अनंत है, एक छोटा सा टुकड़ा भी आप पत्थर का लें तो वह भी अनंत आपको मिलेगा यदि आप स्टडी करते जाएँ। कर्मफल का सिद्धांत भी ये अनंत तरीके से विश्लेषित किया जा सकता है, इसको बोला जा सकता है। तो हम जो करते हैं वो वैसे ही नहीं हो जाता, और वो कैसे कैसे होता है, हमने मान लो आपके किसी ने, आपको किसी ने कोई गिफ्ट दी या एक थप्पड़ मारा, तो ये आपके पास जो एक थप्पड़ आया या एक गिफ्ट आई वो ऐसी नहीं आ गई, इसकी जड़ें भूतकाल में थी,
कि आपके पास ऐसा आना है और आपने ऐसा ऐसा किया। अच्छा, तो आपके साथ जो भी होता है तो वह तीन हिस्सों में तुरंत बढ़ जाता है। जो फल आया, कर्म का फल आपके पास आया, वह तुरंत तीन हिस्सों में बढ़ जाता है। वह उसमें एक हिस्सा है जो भूतकाल के रिपेमेंट्स में दिया जाता है, जो आपने किया था। मान लो आपके एक थप्पड़ पड़ा या नुकसान हुआ, तो ये समझ लो कि आपने जो कुछ किया है उसका रिपेमेंट हो गया। भाई आपने किसी की मारा नहीं होगा तो गाली दी होगी, किसी का बुरा चीता होगा। एक आपको तुरंत दे दिया जाता है एक हिस्सा कि भाई ये ऐसा हुआ, जैसे हम पानी पीते हैं तुरंत उसका रिजल्ट कि भाई ये लो। एक हिस्सा है जो भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाता है। सपोज करो एक बच्चा आज 5 किलोमीटर डेली की दौड़ लगाता है, तो भूतकाल में जो हुआ, अब जो प्रेजेंट में उसी समय उसको गुड हेल्थ दे दिया जाएगा, और ये जो गुड हेल्थ है वो आपके अगले 10-20-50 साल तक काम आएगा। उसका रिजल्ट आगे भी रिजल्ट है, ये हमारा एक्सप्लेनेशन है। ये तो कर्म के सिद्धांत का एक हिस्से का एक्सप्लेनेशन हुआ। अब ये देखिए 30 नंबर हम क्या बोल रहे हैं, भारत में जो ये हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि भारत में लूट तंत्र चला है। क्या है वो? लूटो, पकड़ो, मारो और गुलाम बनाओ। ये मैं फिर डिटेल में नहीं बताऊंगा, ऑल यू नो, और जानते नहीं तो जानना चाहिए। भारत में लूट तंत्र चला है, लूटो, पकड़ो, मारो, गुलाम बनाओ, इनको किसी तरह का मत छोड़ो, सब अपने अपने पास ही ले लो। अब ये षड्यंत्र का सिद्धांत कहता है, इसमें जो ये व्हील है, जो चेंज है, इसका सिद्धांत कहता है कि ये 180 डिग्री के बाद में इसमें डाउन ट्रेंड आता है। यह जो कोई कण यहाँ से ऐसे चला तो 180 डिग्री यह उठाव का है, ज्वार का है, तो फिर इसमें भाटा आता है। अच्छा, तो ये जो षड्यंत्र नाउ 180 डिग्री व्हाट हैपेंस, ये रोटेशन वाला मामला है, मतलब कि उसके बाद में उल्टा शुरू हो जाएगा, उल्टी गति शुरू हो जाएगी, और ये यूनिवर्सल लॉ है, ये सबके साथ होता है, चाहे उसे पता चले या नहीं चले। इसी आधार पर देखते हैं जब भारत में इतना सारा लूट तंत्र भूतकाल में चला है, वर्तमान में चला है, तो भविष्य में भी ये आ रहा है कि लूटो, पकड़ो, मारो। ये ऐसे ही नहीं आ रहा, लोग ऐसे ही नहीं कह देते, ऐसे ही अपन को दिखाई नहीं दे रहा। ये ऐसे ही नहीं हो रहा कि कोरोना आ गया, बेरोजगारी आ गई, अब भुखमरी आ गई, अब लखीमपुर का हो गया, अब ये हो गया, अब और होंगे। ये सारे एक खास घटना को करने के लिए उसकी भूमिका है, प्रस्तावना है। क्या घटना है? वही कि जो षड्यंत्र का सिद्धांत है कि 0 ± यदि प्लस हो गया तो माइनस आएगा, माइनस हो गया तो प्लस आएगा, 180 डिग्री ऊपर चला है तो वो नीचे आएगा, यदि नीचे की तरफ चला है तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। ये फिर लंबा चौड़ा डिस्कशन है। हम क्या कह रहे हैं कि भारत में लूट तंत्र चला है, भयानक चला है, इसलिए अभी भी वो आएगा। 6 नंबर देखिए, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक लूट तंत्र चला है। कर्मफल, लूटो, पकड़ो, मारो, गुलाम बनाओ, गुलाम नहीं बनाए तो मर जाने दो। अब इसमें क्या है कि मान लो कोई अन्याय किसी के साथ किसी ने 1 महीने किया या 5000 साल किया, और इसमें कलेक्टिव ड्यूटीज में देखिए कि किसी ने किसी के साथ अन्याय इतने दिन तक किया, इतने साल तक किया, इतने लोगों के साथ किया, ऐसा ऐसा किया, उसकी इंटेंसिटी ऐसी ऐसी थी, तो भाई भविष्य में ये कैसे निर्धारित होगा कि उस आदमी के साथ जिसने किया है उसके साथ क्या हो। ये इस तरह से निर्धारित होता है। देखिए, और एग्जांपल,
100 मजदूर एक महल को बनाने में लगाए जाते हैं, रोजाना 8 घंटे काम करते हैं और वह भाई 60 दिन में या इतने दिनों में बनता है। 100 मजदूर या नंबर कुछ भी, एक महल को इतने घंटे प्रतिदिन काम करके इतने दिन में बनाते हैं। तो ये पैरामीटर्स के आधार पर आप निकाल सकते हैं कि भाई ये मजदूरों की संख्या ये कर ली जाए तो दूसरे पैरामीटर्स इस तरह से बदल जाएंगे। अब भारत में जो भयानकता हुई है उसका निचले ला के हिसाब से क्या होगा कि जो भी जिन लोगों के साथ लूट तंत्र ने किया है वह अब रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। कितने लोगों के साथ कितने दिन तक हुआ है, किस इंटेंसिटी के साथ हुआ है, वह इस जो हमारी कक्षा 5-7 में हम पढ़ते थे इसी फार्मूले इसी इक्वेशन के साथ होगा। यही बताता है कि यह कब होगा, ये किन किन के साथ होगा, कैसा कैसा होगा, कितने दिन होगा और होगा कि नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल लॉ ऐसे ही नहीं है, ये अटल नियमों पर आधारित होकर ये संसार चलता है, ब्रह्मांड चलता है, ऐसे ही नहीं चलता मैंने ये कर लिया और भाग जाऊंगा और कुछ नहीं होगा। वह तो उसका तो रिपरकशन, उसका रिजल्ट तो आना है। इसलिए ये हैवक, ये हाहाकार, ये मारामारी, ये गृह युद्ध की बातें, ये वो चीज़ें यही बताती हैं और ये एग्जैक्टली ये बताती हैं कि देखो ऐसा ऐसा आ रहा है, इन इन के साथ आ रहा है, इतने दिन तक आएगा। इससे ये पता चलता है कि यदि उस यातना की या उस अच्छाई की इंटेंसिटी बढ़ा दी जाए, जैसे कि 8 घंटे काम करके भाई 11 घंटे काम करेंगे तो वह इतने दिनों में पूरा हो जाएगा। मजदूरों की आप कम या ज़्यादा संख्या बढ़ा दें तो इतने दिनों में हो जाएगा। प्रकृति है, ये परमात्मा है, वो अद्भुत सिस्टम है, वह उसका अद्भुत कंप्यूटर है, उसमें मिस्टेक नहीं होती। मिस्टेक हमारी कैलकुलेशन में होती है, हमारी समझ में होती है। इसलिए हम बोलते रहते हैं कि भाई ऐसा ऐसा करो, देखो ये हो रहा है, इसलिए सुनो। सो ये हमारी प्रोफेसीज होती हैं, लगभग भविष्यवाणियाँ, लूटपाट होगी, मारामारी होगी, आ रही है, कब आ रही है, किन के साथ आ रही है, कितने दिन आएगी। हाउ टू सेव वन सेल्फ भाई, ये जब ऐसा ही हो रहा है, ये अपने अपने कर्मों के अनुसार आ रहा है, तो हमारे कर्मों के अनुसार वह कम या ज़्यादा हो सकता है, हम बच भी सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि भारत में हाउ टू सेव वन सेल्फ, भारत में जो अपने आप को बचाना है विप्लव से, तो जातिवाद छोड़ो, इस सारे धन को छोड़ो, ये मांसाहार छोड़ो, सबको अपना अपना हक दो, ग्रेट इंडिया इक्वेशन के अनुसार दो। क्या रिजल्ट निकला? हाउ टू सेव वन सेल्फ, जातिवाद छोड़ो, अपने अपने धन को छोड़ो, मांसाहार छोड़ो, सबको अपना अपना हक दो, ये होगा ग्रेट इंडिया इक्वेशन। 30+50+20=11। समय अपने आप को इस तरह से टेस्ट करेगा, इस तरह से रिजल्ट देगा कि आज लोग कहते हैं कि भाई जातिवाद छोड़ो, कल को भगदड़ मच जाएगी, भाई हम छोड़ रहे हैं। आज लोग थैलियों को ले ले करके और भारतीय समाज में जो सिस्टम ने दिया है जिसमें ज़्यादातर हिस्सा लूट का हिस्सा है, क्योंकि वो अपने और भाइयों से लूट करके लिया है और लूट कर का पैसा उनको अपाहिज अपंग बना कर लिया है, ऐसा समय आ रहा है वो अपने आप छोड़ेंगे, भाई हमें नहीं चाहिए, ये लो। और इसका रिजल्ट होगा कि देखना सबके पास प्रॉपर्टी इतनी सी छोड़ी जाएगी उसके गुजारे लायक, बाकी गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी।
हो सकता है ऐसा गवर्नमेंट आ जाए जैसा हजारों साल से हुआ कि भाई इन इन लोगों को लूटना, इनको अशिक्षित रखना, इनकी बहन बेटियों के साथ ऐसा करना, इनको असुरक्षित रखना, जो आज तक हो रहा है। हो सकता है कोई गवर्नमेंट, कोई प्रशासक ऐसा आ जाए, वो कहे कि भाई कर लो कुछ दिन। जैसे 2002 में कहा कि दो एक दिन अपनी भड़ास निकाल लो। जैसे खट्टर कहते हैं कि लठ ले आओ, लठ तुम भी ले आओ, ये देश के कर्णधार हैं, ये चीफ मिनिस्टर्स हैं, ये हर चीज बताती है कि देश में क्या होगा। इसलिए दोस्तों, हम सब के लिए भले के लिए कहते हैं, हाउ टू वन सेल्फ, सेव वन सेल्फ। बहुत सी चीज़ें, जातिवाद छोड़ो, अपने धन को छोड़ो, मांसाहार छोड़ो, सबको अपना अपना हक दो, सम्मान दो, तभी देश चले या नहीं चले। देश की चिंता छोड़ो, तुम्हारा जीवन चले कि नहीं चले पहले ये देख लो भाई। पहले नहीं होता, नहीं होता इस धरती में, इस रेट में जाने कितने कितने बीज पड़े हैं, समय आने पर उनका वे अंकुरित होते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं सबसे कहता रहता हूँ, अपने गरीब भाइयों से, मिडिल लोगों से भी, ये ठेली वालों से भी, देखो लोगों, ऐसा ऐसा हो रहा है, भागने को समय नहीं मिलने वाला। थैली तो ले नहीं जा सकोगे। और ये जो आज आईएएस आईपीएस नेता धनाढ्य लोग जो होड़ लगी हुई है थैलियों को ले ले जा करके विदेश भेजने की, एक एक को पकड़ कर इंडिया में लाया जाएगा एंड दे विल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड। ऐसा ही होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। हम ऐसे ही नहीं बोलते, फिर हम 10-20 सेकंड में दोबारा से एक बात बता देते हैं कि ये कितने दिन चलेगा, विप्लव जैसा समय, उसके बाद महान समय आएगा, कितने दिन चलेगा और इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ये इस बात पर निर्भर करती है कि जितनी इंटेंसिटी होगी उतने कम दिन चलेगा। यदि बहुत भयानकता चली तो वह कम दिनों में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पिछला हिसाब किताब प्रकृति को बराबर करना है। यदि धीरे धीरे चला तो ये काफ़ी दिनों तक चलेगा, और ये तब तक चलेगा जब तक कि लोग अपनी जातिवाद को नहीं छोड़ते, जो कि सब बुराइयों की जड़ है, असमानता है, अपने हराम के धन को नहीं छोड़ते, जिन्होंने धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कानून ऐसे बना बना कर सबको अपने पास इकट्ठा कर लिया। जब तक लोग अपने मांसाहार को नहीं छोड़ देते और सबको अपना अपना हक नहीं देते, तब तक ये चलता रहेगा, और ये अवश्य होगा सारे देश की और लोगों की, विशेष रूप से उनकी, जिनका इस फार्मूले के अनुसार नंबर आता है, उनके साथ ऐसा होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।